हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको समझते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, या फिर इसे आर्गन प्लेन कहिए, या फिर आप इसे गॉसियन प्लेन कहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम लोग देखे थे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोई जेड है, जिसका कोऑर्डिनेट जिसको दिया गया है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट पी ले लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में हमने यहाँ पे ये देखा कि इस पॉइंट पी का इस ओरिजिन से जो लेंथ है वह क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है। और यहाँ जो एंगल थीटा है पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि इसका हमें मॉडुलस पता है, यानी मॉडुलस कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एक तरह से मैग्नीट्यूड पता है, और ये थीटा एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना हम लोग एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये है ये थीटा। तो जब यहाँ से एक तरह से हमें ये डायरेक्शन हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, तो जब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो डेट मीन्स ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा कि नहीं। जब वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हमें यहाँ से ये मैग्नीट्यूड दिख रहा है जो मॉडुलस है, और यहाँ पे आर्गुमेंट जो है क्या दिख रहा है, उससे हमें डायरेक्शन दिख रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी क्वांटिटी की हो जाए, दैट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इसे वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये वेक्टर ओपी है, और ये वेक्टर ओपी जो है आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ओपी का मॉडुलस जो है वही आपका क्या है, मॉड जेड है, जो कि इक्वल है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो है वह थीटा है, जो कि कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, समझ गए। तो आप इसमें यहाँ थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वेक्टर फॉर्म से, उसे हमें इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, बस ये जानने के लिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द पोजिशन वैक्टर ओ पी ऑफ पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इन अ टू डायमेंशनल प्लेन, बिकॉज क्यों हमने टू डायमेंशनल प्लेन लिया है, बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स किन थिंग्स पे डिपेंड करता है, पहला इट्स मॉडुलस एंड दूसरा इसका क्या होता है, इट्स आर्गुमेंट इन दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों रिक्वायरमेंट है वेक्टर प्लेन के लिए, ठीक है। ये दोनों रिक्वायरमेंट है, मॉडुलस क्या है, लेंथ है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इट्स आर्गुमेंट क्या है, डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पोजिशन और इसका डायरेक्शन दोनों देखने को मिल रहा है, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता क्या है, इसको देखते हैं।
हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम लोग एक इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी ए कम्प्लेक्स नंबर, बी ए कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉइंट, अ पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई इन द आर्गेंट प्लेन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आर्गेंट प्लेन पे या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, चलिए इसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं जो आपका रियल एक्सिस है, और यहाँ पर हम लोग इस पर यहाँ पर ये वाई एक्सिस ले लेते हैं जो कि इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस हमने ले लिया है। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। हम लोग इसे पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसके लिए अगर हमें इसे मान लीजिए हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये आप इसे ऐसे कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर ओपी है और कॉम्प्लेक्स नंबर ये किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये किसका हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, जेड इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर इस पर एक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग ए देते हैं इस पर परपेंडिकुलर, हमें पता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव एंगल जो बनेगा वो आपका थीटा होगा, और है ना यहाँ पर हमें लोग जो एंटी क्लॉक वाइज जो एंगल देख रहे हैं वो क्या होगा आपका थीटा है, और ये थीटा क्या कहलाता है, ये थीटा कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मोड जेड ले लेते हैं, मोड जेड ले लेते हैं, और इसको हम लोग ज़्यादातर सपोज करते हैं आर से, ठीक है, हमें ध्यान रखना है हमें आर हमें सपोज कर लेना होता है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से ओपी जो है ना ओपी वह मोड आर मोड जेड मॉडुलस ऑफ जेड, ओपी जो क्या है मॉडुलस ऑफ जेड है, या फिर आप इसे आर से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा और यहाँ थीटा जो क्या है वह आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ एम, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका क्या है वाई है, यह है आपका एक्स है, तो क्या हो जाएगा पी ए बाई में ओ पी, यानी आ जाएगा वाई बाई आर, तो यहाँ से वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा आर साइन थीटा आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। चलिए एंड इसमें ये भी देखते हैं अगर हम लोग कॉस थीटा यूज करते तो आपका ओ ए बाई में ओ पी हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी आ जाता है एक्स बाई में आर, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा इक्वल टू सॉरी अगर हम लोग वाई को एक्स इक्वल टू की बात करें तो मिलेगा आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू में क्या मिलेगा आर कॉस थीटा। तो हमारे पास ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वह क्या था जेड इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई, तो अब आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स की जगह पे आ जाएगा आपका आर कॉस थीटा और वाई की जगह आ जाएगा यहाँ पर आर साइन थीटा, तो इसमें से आर हम लोग बाहर ले लेते हैं तो बच जाएगा आर कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। तो ये जो देख रहे हैं ये जेड इक्वल टू में आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही आपका पोलर फॉर्म कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें हम लोग लिख सकते हैं वेयर वेयर आर क्या है जी मॉडुलस ऑफ जेड है एंड थीटा क्या है थीटा ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। तो आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना जानते ही हैं और दोनों निकाल लेते हैं तो सिंपल आप इस फॉर्म में रख देंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज कॉल्ड, ये जो फॉर्म देख रहे हैं इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ये पोलर फॉर्म कहलाएगा। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर इसके आर्गुमेंट जो थीटा है इसके जनरल वैल्यू को यूज करें, जनरल वैल्यू यानी कहने का मतलब कि हम लोग वैल्यू जो ले रहे थे माइनस पाई से पाई तक में ना ले, इसमें ना ले, आप कोई भी जनरल वैल्यू यूज करें, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं
यहां कह सकते हैं कि इफ वी यूज द जनरल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट थीटा देन द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू में आर कॉस, हम लोग वहां पे एंगल जो थीटा हम लोग देख रहे थे उसकी जगह आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा और प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, हम लोग इस फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि 2n पाई के है ना, 2 पाई के मल्टीपल में इसमें ऐड करते जाएंगे तो उसमें तो कोई चीज नहीं होगा ना, हमें बहुत सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, उसको बहुत सारे उसका पोलर फॉर्म मिल जाएंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो थीटा क्या है, आर्गुमेंट है, और ये मोड अगर हम लोग आर की बात करते हैं, क्या है आर, क्या है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड है ना, और एन इसमें जो देख रहे हैं आपका इंटीजर है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि वेयर आर इक्वल टू में मोड ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, अच्छा, और थीटा इक्वल टू में आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, समझ गए। तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे जेड इक्वल टू में, हम लोग इसके पहले एक क्वेश्चन देखे थे ना पीछे की वीडियो में, हमने देखा था -√3 - i, इसका हमने क्या निकाला था जी, हमने निकाल के देखा था आर्गुमेंट, याद है। तो अगर हम लोग इसके मॉडुलस की बात करें तो रूट अंडर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर और +-1 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 + 1 यानी कि 4 यानी √4 यानी कि आ गया 2। तो ये 2 क्या है, हम लोग r इसको सपोज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग tan थीटा की वैल्यू की बात करें तो y बाई x होता है, तो यहाँ देखो ना x का वैल्यू है -√3 एंड y का वैल्यू है -1, तो यहाँ हो जाएगा आपका आ जाएगा -1/-√3, यानी कि यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√3 और 1/√3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, π/6। तो थीटा π/6 है, तो हम लोग अगर आर्गुमेंट की बात करेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट की बात करेंगे तो एक्चुअल में ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, द पॉइंट -√3 - 1 लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो हो जाएगा वह -π - π/6, यानी आ जाएगा -5π/6। तो अब हमें यहाँ पे आर्गुमेंट मिल ही गया और हमें मॉडुलस मिल ही गया है। तो अगर हमें इसका पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को लिखना होगा, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं, ठीक है, cos -5π/6 + sin -5π/6, ये आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो सिंपल है, आपको आपको दो चीजें निकालनी होंगी, आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना होगा, उसके बाद आसानी से पोलर फॉर्म आप लिख सकते हैं। तो समझ गए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब कर लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।